दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आपसे बात करने वाला हूं पुलिस कस्टडी के अंदर मारपीट और या फिर जेल के अंदर मारपीट। देखो दोस्तों, असल में क्या है इशू कि लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि सर अगर पुलिस वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस कस्टडी के अंदर मारपीट कर देते हैं तो क्या हम पुलिस के ऊपर मामला दर्ज कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें, और साथ ही अगर जेल के अंदर मारपीट की गई अब जेल में कैसे, मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया तो वहां से मजिस्ट्रेट ने उसको जेल भेज दिया, अब जेल के अंदर उसके साथ मारपीट हुई है तो फिर वो कैसे एक्शन ले सकता है। तो जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर 57 सीआरपीसी ये कहता है कि 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए और ये कानून है। आपके लिए टिप्स ये है कि अगर 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को पेश नहीं किया जा रहा है तो आप एसपी से जाकर के शिकायत कर सकते हैं उस पुलिस वाले की, तुरंत एसपी एक्शन लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर पुलिस कस्टडी में आपके साथ मारपीट की गई है तो आपको जब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तब आप मजिस्ट्रेट से उसी क्षण शिकायत कर सकते हैं इस बात की कि पुलिस कस्टडी के अंदर आपके साथ मारपीट की गई है और उन व्यक्तियों के खिलाफ मामला तुरंत वहीं दर्ज कर सकते हैं। उस सिचुएशन के अंदर मजिस्ट्रेट खुद सो मोटो कार्रवाई करेगा, उनके खिलाफ मामला दर्ज करेगा। अब आप ये कहेंगे कि सर हमें तो उन्हीं को हैंडओवर किया जाएगा तो फिर वो मारपीट करेंगे, तो अगर आप लॉजिकली सोचें कि आपने एक कंप्लेंट कर दी है आपको दोबारा से ले जा करके मारने की उनकी हिम्मत नहीं है, चलिए अगर दोबारा से भी मारते हैं तब भी आपके पास रेमेडी है, आप दोबारा से मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं। वैसे तो जब आपने कंप्लेंट कर दी है मजिस्ट्रेट को, जब आपको कस्टडी से निकाल करके पेश किया गया है तो फिर मजिस्ट्रेट उनको हैंडओवर नहीं करेगा क्योंकि उनके ऊपर तो मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई कर दी है, तो अब अन्य पुलिस वालों को संभालेगा आपको। देखो दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ी हिम्मत करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, ये मान के चलिए रिजल्ट तब आता है जब आप एफर्ट्स करते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि भाई 57 सीआरपीसी में प्रोड्यूस किया मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को जेल में भेज दिया था, जेल में उस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे ही सूचना मिलती है वकील से मिले आपके, जो आपके अक्यूज्ड मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उसका जो वकील है उससे मिलकर के तुरंत 54 सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र कोर्ट के अंदर सबमिट करवाएं और उसमें ये मेंशन करवाएं कि अधिवक्ता की उपस्थिति के अंदर मेडिकल कराया जाए या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के अंदर मेडिकल कराया जाए जिस पे आपको ट्रस्ट हो, यानी अक्यूज्ड के परिवार जिस पे ट्रस्ट करते हो। ये इसलिए कहीं वहां जाकर के गलत तरीके से मेडिकल ना बना दिया जाए पुलिस के द्वारा बचने के लिए, इसलिए ये बात बोल रहा हूं मैं, तो उसमें ये लाइन जरूर मेंशन कर दें आप। तो चलिए 54 में आप जब मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करेंगे उसमें ये मेंशन करेगा आपका वकील के भाई मेरे अक्यूज के साथ यहां पर मारपीट की गई है जेल के अंदर, तो उसका मेडिकल कराया जाए, तो मेडिकल करवाने के लिए उसको बुलाया जाएगा, उसका मेडिकल होगा, मेडिकल के अंदर अगर उसके साथ मारपीट होना पाया जाता है तो मामला दर्ज किया जाएगा और उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सिंपल से तरीके हैं, आपको बस कानून की जानकारी होना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। डरोगे तो और ज्यादा डराए जाओगे, और आपको कानून का पता है तो इस्तेमाल भी करो उसका, इससे आप तो खुद तो बचोगे और दूसरे लोगों को भी बचाओगे, क्योंकि जब आप कंप्लेंट करोगे तो पुलिस वाला एक नहीं 10 पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई फला व्यक्ति की जॉब पर बनाई है तो हमारी जॉब पर भी बना सकती है, हम भी इलीगल एक्ट ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, इसको शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।